आप क्या मतलब क्या कहते हैं, आपका क्या सोच है इस प्लेटफॉर्म के बारे, इस इवेंट में, इवेंट के बारे? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा इवेंट करना में हो रहा है, क्योंकि मैंने तो अपनी एज में ऐसा कभी पहले देखा नहीं, करना में ऐसा कुछ हुआ हो कभी, ये तो बड़ी बात है करना के बच्चों के लिए, करना के नौजवानों के लिए, क्योंकि जो ड्रग्स है उसको उसने करना को ख़त्म कर दिया। आज 60% जो बच्चे वो इन्वॉल्व हो गए ड्रग्स में, तो अब जो गेम है गेम में बच्चे लग जाएंगे, तो इंशाल्लाह आगे भी कोई बच्चा। आप चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स आगे भी आते रहे यहाँ पे? बिलाल चौहान के बारे में आप क्या कहते हैं, जो इस इवेंट को लेके आ रहे हैं, जिनने पूरा इवेंट यहाँ के लिए जो है लाया है यहाँ के यूथ के लिए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनको एक यूनिवर्सिटी है तो वो बहुत ग्रेट बच्चे। थैंक यू शाह साहब आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये टूर्नामेंट यहाँ पे मेगा टूर्नामेंट हो रहा है आलजेन की यूथ सोसाइटी की तरफ से, बिलाल चौहान जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस इवेंट को, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जो यूथ के लिए है, आपका इसके बारे में क्या नजरिया? सर बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बिलाल चौहान साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इन्वेटर करना में आए, ये हमारी खुशकिस्मती है, ऐसा बंदा जो इस टाइम पे आके यूथ को उसने सपोर्ट किया, यूथ को देखा जो यूथ पूरी तरह से ड्रग्स में पूरी तरह से फंस चुका था करना का डूब यूथ, और इस टाइम पे कोई बंदा आके अपने यूथ का दर्द करे, मेरा सोच इसको है, एक बड़ी पर्सनैलिटी है वो, और काफी लोग आप लोगों का सपोर्ट है यहाँ पे। मैनेजमेंट को आप कैसे देखते हैं, कैसा मैनेजमेंट है जो यहाँ पे चल रहा है, मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? वन वोट फॉर मैनेजमेंट, 100% सपोर्ट, एक्सीलेंट। शायद मुझे लगता है ये पहला करना का इवेंट, हमने बहुत ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन ये पहला इवेंट है जो इस किस्म का आ रहा है, इसमें हमें जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट की खुशबू आ रही है इस तरह से। थैंक यू सो मच। मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पे अर्शद साहब को, जो हमारे